हेलो एवरीवन, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस यस दिस इज़ सब्जेक्ट मैटर मैटर ऑफ दिस वीडियो लेक्चर और इस लेक्चर को सुनने के बाद हम लोग ये समझ पाएंगे कि इंटरफेरेंस फेनोमेनन में जब दो सुपर इम, वेव सुपर इम्पोज होता है जिसके चलते हमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलता है तो किस कंडीशन में हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगा और क्या फेज डिफरेंस होगा दो कोहरेन सोर्स के बीच में कि हमें मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगा सो so, इस कंडीशन को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं जहाँ पर हमने ए और बी इज़ द टू पिन होल जिसे हम लोग जस्ट सोर्स ऑफ लाइट के सामने रखा हुआ है एंड एज ए रिज़ल्ट ऑफ इट दिस ए एंड बी बिहेव एज ए कोहरेंट सोर्स और ये दो वेव जो है ये दो दो जो वेव यहाँ से कोहरेंट सोर्स हमें मिल रहे हैं ए और बी से ये एक्स वाई एक्स और वाई कोई स्क्रीन है जहाँ पी पॉइंट पे हम लोग सपोज कर रहे हैं कि ये दो वेव सुपर इम्पोज कर कर रहे हैं सो so, So, this is that consider a monochromatic source of light S emitting waves of wavelength lambda and two narrow pinholes A and B. A and B are at the same distance from S and act as two coherent sources. Now, let A be the amplitude of the waves, and also suppose that at the point P, the phase difference between these two coherent sources is lambda. और डेल्टा ओके नाउ सपोज कि वाई वन एंड आई वाई टू आर द डिस्प्लेसमेंट, वाई वन इज़ डिस्प्लेसमेंट जो कि ए से हमें सोर्स मिल रहा है और वाई टू हम लोग ले रहे हैं जो कि हमें बी पॉइंट से लाइट मिल रहा है सो विद द हेल्प ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं for the first wave y1 is equal to a sine omega t and for the second wave y2 is equal to d sine omega t plus delta resultant what will happen in case of interference y1 और y2 दो वेव सुपर इम्पोज करते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों का एलजेब्राइक सम होता है दैट वी नो फ्रॉम दी प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन तो रिजल्टेंट का हम लोग एम डिसप्लेसमेंट लिख सकते हैं y इजगल टू वाई वन प्लस वाई टू इजगल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा ये वैल्यू हम लोग पुट कर दिए इस दो इक्वेशन से सो फाइनली वी हैव दिस इक्वेशन दिस वन एंड देन वी कैन राइट ए साइन ओमेगा टी हम लोग यहाँ से कॉमन ले लिए तो वन अंडर ब्रैकेट वन प्लस कॉस डेल्टा एंड ए कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा नाव सपोज कि ए वन प्लस कॉस डेल्टा इजगल टू आर कॉस थीटा एंड ए साइन डेल्टा इजगल टू आर साइन थीटा अब इन दोनों का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर वाई साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस आर कॉस ओमेगा टी साइन थीटा अगर ध्यान से हम लोग देखें इस इक्वेशन को तो ये हमारा साइन ए प्लस बी के फॉर्म में है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं वाई इजिकल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा ना स्क्वायरिंग एंड एडिंगवेशन टू दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज टू इसको हम लोग पहले स्क्वायर कर देते हैं और उसके बाद एड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर आर स्क्वायर इजगल आर स्क्वायर साइन थीटा एंड प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इजगल टू दिस वन एंड फिर यहाँ पर प्लस साइन रहेगा यहाँ पर हम लोग फिर आर कॉमन लिए सो आर कॉमन लेने के बाद जस्ट विथ दी हेल्प ऑफ जियोमेट्री वी कैन राइट टू ए स्क्वायर वन प्लस कॉस डेल्टा और फिर यहाँ पर इस वन कॉस वन प्लस कॉस डेल्टा को हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे टू कॉस स्क्वायर डेल्टा बाय टू सो फाइनली वी हैव आर स्क्वायर इज गल टू फोर ए कॉस स्क्वायर डेल्टा बाय टू एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड दिस आर इज द एम्प्लीट्यूड सो वी नो डैट कि आई इज इगल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड सो इंटेंसिटी एट पॉइंट पी कैन बी रिटेन एज फोर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा बाय टू दिस इज द इंटेंसिटी आई इज इगल टू फोर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा बाय टू और डेल्टा क्या है डेल्टा इज द फेस डिफरेंस बिटवीन द टू कोहरन सोर्सेज विच आर सुपर इम्पोज एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों को इंटरफरेंस फेनोमिन मिलता है तो ये कब हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट देगा और कब हमें मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट देगा ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इस फे कॉन्स्टेंट इस फेस डिफरेंस डेल्टा पर देखते हैं जब हम लोग डेल्टा पर डेल्टा के जगह पे ज़ीरो टू पाई या फिर इसी टर्म में हम लोग एन टू पाई तक बढ़ते हैं तो क्या होता है तो वी नो डैट कॉस जीरो इक्वल टू वन इसलिए हमारा आई इक्वल टू हो जाएगा फ़ोर ए इसका मतलब ये हुआ कि जब डेल्टा का वैल्यू ये सब हुआ तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगा देन फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन द पार्ट डिफरेंस एंड फेस डिफरेंस इफ दिस इज योर फेस डिफरेंस देन पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा जब पार्ट डिफरेंस दो कोहरेन सोर्स के बीच में जीरो लेमडा टू लेमडा और अप टू हम लोग बोल सकते हैं एन लेमडा हो तो हम लोगों को मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगा देखते हैं क्या होगा अगर फेज़ हम लोग पाई थ्री पाई पुट करके देखें तो जब ये पुट करके देखेंगे तो सिंस वी नो डैट कि कॉस पाई इज टू ज़ीरो इसलिए हमारा आई हो गया ज़ीरो मीन्स वॉट कि जब हम हम लोगों के पास फेज डिफरेंस टू एन पाई और पाथ डिफरेंस एन लेमडा होगा तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगा और जब फेज डिफरेंस टू एन प्लस वन पाई होगा और पार्ट डिफरेंस टू एन प्लस वन लेमडा बाय टू होगा तो हमारे पास इंटेंसिटी जीरो मिलेगा दैट मीन्स वी हैव द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट सो इन ब्रीफ वी कैन सी हियर कि मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए फेज डिफरेंस टू एन पाई पार्ट डिफरेंस एन लेमडा मिनिमम के लिए फेज डिफरेंस टू एन वन टू एन प्लस वन पाई एंड पार्थ डिफरेंस टू एन प्लसा बाय टू होगा दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस नाउ दिस इज स्टॉक्स ट्रीटमेंट फ्रॉम दिस स्टॉक स्टॉक्स स्ट्रीटमेंट वी कैन नो दैट कि वॉट विल हैपन वेन लाइट इज रिफ्लैक्टेड एट द बाउंड्री बिटवीन द मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस क्या होगा जब रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम रेयरर से डेंसर या डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करते हैं तो क्या उनके एम्पलीट्यूड चेंज होंगे क्या उनके फेज में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा ये सारा डिस्कस या ये सारा एक्सप्लेनेशन हमें साइंटिस्ट स्टॉक्स ने दिया था इसलिए इस इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है इस्टॉक्स ट्रीटमेंट और ये इसलिए जानना जरूरी आप सोचते होंगे कि क्यों हम लोग इस कंडीशंस के बाद हम लोग इस्टॉक इस्टॉक्स ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस डे